अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं जोर का जोड़ की स्पेशल डिजिटल ट्रांसमिशन में। और मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, जो पहले था वही अब है, और लेकिन बातें हम जरा डिफरेंट ही करेंगे। हाफिज इमरान साहब अपनी क्रिटिक के साथ, इरम हमारे साथ होंगी अपने एनालिसिस के साथ, मीरब सोशल मीडिया अपडेट्स, और कादिर फारा साहब को तो आप जानते ही हैं। तो जनाब, गुफ्तगू का आगाज सबसे ज़्यादा फेवरेट कादर ख्वाजा साहब के और हाफिज साहब के ज़का अशरफ से करते हैं। उन्होंने वीडियो पैगाम सर जारी किया है, उन्होंने कहा हार जीत की कोई बात नहीं, डट कर मैच खेले। पहलवान गए हैं हाफिज साहब। हाँ जी, पहलवान गए हैं और कह रहे हैं मेरा पहला, उन्होंने पहले वीडियो जारी करने से पहले कादर साहब आपको देखा है, जब उन्होंने कहा डट के मुकाबला होगा शायद क्रिकेट मैच के अलावा। आपने देखा एक जुमला उन्होंने 5 मरतबा रिपीट किया। अच्छा, व्हाट वाज द यूज ऑफ इट? तकरीबन 50 सेकंड का, 50-30 सेकंड का उनका कल भी बात, जैसे अभी कादर कह रहे हैं ना कि जो उनका जोर है वो डट कर। देखिए, कल भी हम बात कर रहे थे कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ या कोई भी अहम बंदा किसी भी और क्रिकेट बोर्ड का, वो बात नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी अपने इन ऐसे बयान से दूर रहना चाहिए। अब खिलाड़ी वहां पर गए हैं, आपके बयान की कोई जरूरत नहीं है। ना भी दें तो क्या फर्क, ना भी दें और ना ही दें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा, वो उसमें पता क्या कह रहे हैं आप साहब, उसमें वो पुट करवाना चाह रहे हैं, उनको बावर करवाना चाह रहे हैं कि जनाब आप लोग जीतो हारो, नहीं नहीं आप लोग जीतो हारो लेकिन डट कर खेलो, पूरी फॉर्म खड़ी है। मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा याद रखना मुजाहिदो। देखिए, और इससे पहले वो धमकी भी दे चुके हैं। देखिए, ये अगले लम्हे इनको कुछ याद नहीं रहता कि इन्होंने गुजरे हुए लम्हे में क्या किया है। अभी इन्होंने 2 दिन पहले एक इनका बयान शाया हुआ, नशर हुआ टेलीविजन पर, इंटरव्यू अखबारात में उसने शाया हुआ कि हमें सख्त फैसले करने पड़े तो भी करेंगे। और अगले दिन आप ये कह रहे हैं कि डट कर खेलो, कौम तो खड़ी है, ज़कात है, तुसी अपनी टीम दे नाल खड़े हो या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो 32 सेकंड का ये क्लिप है जो उनका रिकॉर्ड हुआ है, वो हमें जो हमारी फाख्ता बताती है, वो कहती है कि जनाब जो ज़का साहब हैं उनको टीवी पे आने का बड़ा शौक है। वो किसी ना किसी तरीके से कहते हैं कि मैनू बस वहाई जाओ और डिसीजन मेरा पुत्र लेगा, कोई मसला नहीं है, सब अच्छे की आवाज़ है। लेकिन उनके जो कान भरने वाले लोग हैं वो बड़े जालिम लोग हैं और वो चाहते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाएं। और बड़ी मरतबा ये अटैम्प्ट भी कर चुके हैं। ये भी बता दे, वो कान भरने वाले लोग कौन है? देखिए, वो अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रोग्राम के बाद, क्योंकि वो मुनासिब नहीं होगा। नोट कर लें जी। वो आप साहब ये देखिए, बात ये है कि प्रोग्राम के बाद इन्होंने बताएंगे और मैं कल प्रोग्राम के आगाज में बता दूंगी। देखिए, अभी जैसे बात की है कादर ने, जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी का कोई भी अहम अहदेदार या कोई भी खिलाड़ी जब बात करेगा तो उससे कई बातें निकलती हैं। अब अगर ये ज़का साहब डट कर खड़े रहने की वीडियो जारी ना करते, बाबर आजम को ये ना बताते पाकिस्तान के कप्तान को कि कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, इससे पहले शायद बाबर आजम को ये पता ही ना हो कि कौम उनके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, तो ये ना बताते तो ये बातें ना निकलती कि उनको कप्तानी से हटाने के लिए उनके खिलाफ या उनकी क्रिकेट के लिए या टीम के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ये बात भी ना होती कि उनके कान कौन भरता है, ये बात भी ना होती कि खान मोहम्मद अशरफ फैसले करते हैं, ये नहीं आती ना। जब आप एक चीज करते हैं, एक बयान देते हैं, तो वो बयान एक अमल होता है और हर चीज का, हर अमल का कोई रद्द अमल होता है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम उनके अमल के रद्द अमल के जवाब करते हैं, ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जंजानी साहब ने भी जनाब हमें ज्वाइन कर लिया है। जंजानी साहब से ज़का साहब के सितारों का पूछें, वो तो उन्होंने बताया तो था नवंबर तक, नहीं लेकिन वो कोई खामोश कराने वाले सितारे, खामोश का वो अमल होता है सर, वो सितारों का काम नहीं, अमलियात का काम होता है। जानी साहब को आप गलत कामों की तरफ ना भेजें। वेलकम टू द शो सर। सर कल का मैच होने जा रहा है, मुझे बताइएगा किसका मैच है सर, बताएं? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। सर दोनों टीम के सितारे आपको क्या बताते हैं? बिल्कुल ऐसे, सबसे पहले तो मैं हाफिज साहब को कहूँ कि ये जो जेड वाले बंदे हैं ना, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जंजानी तो कराना मुश्किल हो जाता है। तो कल के मैच के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं एक बड़ी अहम चीज देख रहा था, मेरी नजर से भी गुजरी है कि लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स जितने भी हुए हैं, उन 3 वर्ल्ड कप्स के अंदर हमने ये देखा है कि जो कंट्री होस्ट करती रही है वो वर्ल्ड कप जीती भी है, जो कि इत्तफाक भी है। और इस वर्ल्ड के अंदर इस वजह से इंडिया को जो है वो फेवरेट भी समझा जा रहा है कि इंडिया जो है गालबन वर्ल्ड कप जीतेगा, जो कि अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कल के मैच की अगर हम बात करें
तो इंग्लैंड का जो सितारा है वो ज़रा भारी नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड के ऊपर, और न्यूजीलैंड जो है उसकी सिर्फ एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि न्यूजीलैंड की टीम के कैप्टन जो हैं केन विलियमसन गालबन जो इनके कैप्टन हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग और पावर में दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कल अच्छा परफॉर्म, जैसे हम बाबर का जिक्र कर रहे थे कल के मैच के गुज़श्ता जो गुजर गया कि उसके अंदर कैप्टन का बड़ा अहम रोल होता है, तो इंग्लैंड जो है वो हावी काफ़ी दिखाई देता है न्यूजीलैंड के ऊपर, लेकिन उनके कैप्टन अगर मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, बज़ाहिर इंडिविजुअली उनके सितारे बड़े स्ट्रांग हैं कि इतना इजी मैच नहीं होगा, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और इन द एंड जो हो सकता है कि इंग्लैंड के सर जो है इसका सेहरा चला जाए और कप्तानी जो है वो उसका सेहरा जो है न्यूजीलैंड के कैप्टन के सर चला जाए। अच्छा जजाई साहब, इंडिया की आप बात आपने वो कही ना कि होस्ट जीत सकते हैं, सो इंडिया के कलेक्टिवली सितारे कैसे हैं इंडियन टीम के? इंडिया का नंबर जो है वो बनता है वन, और जब इसको हम न्यूमरोलॉजी की पावर से देखते हैं, और वन का ताल्लुक है सन के साथ। सन जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरे निज़ामे शमसी में वो तवानाई एनर्जी देता है, और जब तक हम स्पोर्ट्स या क्रिकेट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है हुक्मरानी करने की, पावर में आने की, क्योंकि इंडिया को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो क्रिकेट चल रही है उसके अंदर हमारा बड़ा अहम रोल है। ये मैं आपको उसकी खसूसियत बता रहा हूँ जो शम्स को रिप्रेजेंट करने वाले अपने अंदर रखते हैं। तो इंडिया का इस वर्ल्ड कप के हवाले से एक बड़ा अहम रोल रहेगा, इंडिया अच्छा खेलेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन सेमीफाइनल्स और उसके बाद जाके चीजें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी इंडिया के लिए काफी, बहुत ज्यादा। अच्छा किसी ने, बहुत शुक्रिया जनाई साहब आपका, हम आपके पास दोबारा वापस आएंगे। किसी ने सर तबसरा बहुत हो रहा है कि अगर शादाब विकटे नहीं ले पाते और नवाज विकटे नहीं ले पाते तो हम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। देखिए ये 20 ओवर्स की जो इन दोनों की है ना, ये बाहर तो हो सकता है पाकिस्तान, शादाब और नवाज तो पाकिस्तान तो की टीम में उनका बड़ा अहम किरदार है। 20 ओवर्स है ना, 50 ओवर्स में से 20 ओवर शादाब और नवाज के जिम्मे हैं, और अगर 20 ओवर्स में विकेट नहीं मिलती पाकिस्तान को, रन्स हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान तो दबाव में आएगा। इनकी विकटें लेना पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी के लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। अगर ये फॉर्म में वापस नहीं आते हैं, विकटें नहीं लेते हैं, तो फिर ना सिर्फ जैसा कि ये भी जका अशरफ साहब ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर बाबर आजम ने उन्हें कहा है कि अगर शादाब विकटें नहीं लेते या परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। कादर साहब दसो सर, मैं अभी बात है सर, अगर कप्तान ने चेयरमैन से बात की है, कादर साहब क्या उस्ताद है, डंडा पकड़ लेंगे कहने वाली बात है। कादर साहब जो है ये चेयरमैन ने, चेयरमैन से बात अगर बाबर ने की है कप्तान ने, तो आपको क्या जरूरत है उसको जाके बताने की ऐसे हो गया तो ऐसा। अच्छा हाफिज साहब मुझे एक चीज समझ नहीं आई, थोड़ा सा आप ये देखें रास्ता क्लियर करो। अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो मीडिया टॉक हुई है, जो वेटरन के चल रहे हैं सिंध में चल रहा था कराची में, उसमें मिसबाह उल हक कहते हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है बॉर्डर है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें पुरानी जो मैनेजमेंट थी उसने प्रपोज किया था ये सारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर उसके बाद ये खबरें और ये क्रेडिट क्यों लिया जा रहा है कि मैंने जो है वो इनके पैसे बढ़ाए, मैंने ये सारा कुछ किया। सर अच्छी बातों को क्रेडिट तो फिर आपको पता है। देखिए अच्छी बात या तो फिर मिसबाह उल हक झूठ बोल रहे हैं या फिर जका अशरफ झूठ बोल रहे हैं, इन दोनों में से कोई अगर अगर गुजरी हुई इंतजामिया ने ये किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला काम, तो आपने उसमें तब्दीली क्या की है? उस वक्त तक तो जमान खान साइन की, 4 महीने आपने बगैर प्लेयर्स को आपने जो उनके जो रिटेंशन, तो अगर वो तय था तो उसी वक्त जारी कर देते, उस वक्त जारी कर देते, आपने क्रेडिट लेना था सिर्फ वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, ये मैंने इतना कर दिया, डिले किया, ताखीर किया, और इनके अल्फाज का इंतखाब भी नामुनासिब है। आप ये कहें मैं इनको दे रहे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं हाफिज साहब, सॉरी आपकी बात गलत, जो इन्होंने LCCA में खड़े होकर मीडिया टॉक की जिसका खुमियाजा हम भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम भी भुगत रही है, अब वो मैं आपको मैच करके बताता हूँ कैसे भुगत रही है। इन्होंने कहा जी दुश्मन मुल्क, जो कि पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ और उसका उसको उसको कहा गया, जो कि गलत भी है,
देखिए, आपने अगर अपने दुश्मन मुल्क आप समझते हैं तो फिर आप अपनी टीम ना भेजते, स्पोर्ट्समैनशिप तो नजर ही नहीं ना, आप तो अपनी टीम ना भेजते। आप आपने अपनी टीम भेज दी है तो फिर आपका जो भी है वो आप उसको उसको अब ऑन करें कि आपने इंडिया में टीम भेजी है, चाहे इंडिया ने आपके मुल्क में टीम नहीं भेजनी चैंपियंस ट्रॉफी में भी और अभी भी एशिया कप में नहीं भेजी उन्होंने, लेकिन उसका खुमियाजा हम लोग क्या भुगत रहे हैं उस दुश्मन मुल्क के। पहले हमें शायद मिल जाता वीजा, चाहे पाकिस्तानी शायकीने क्रिकेट भी देख सकते हैं मैच वहां पर जाकर, लेकिन इस पॉइंट के बाद खास तौर पर डिले और डिले और डिले हो रहा है वीजा। अच्छा, मुझे वैसे लगता है नहीं शायद मिलेंगे। देखिए, अब मिले ना मिले फायदा तो कोई नहीं है, पहला मैच तो हमारा निकल जाएगा। अच्छा इरम, आपको महसूस हो रहा है जितना मैं स्टडी कर रही हूँ, इरम इंडिया भी गई हुई ना, इनसे कोई यादगार बातें तो पूछो ना। पूछते हैं, पहले इस बात का जरा जवाब दे दें कि आपको लगता है ये वार्म अप मैचेस में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उससे पाकिस्तान एक मजबूत टीम कंसिडर नहीं कर रही बाकी टीम्स की बनस्पत? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते वार्म अप मैचेस के हवाले से हम पाकिस्तान को बिल्कुल कह लें कि एशिया कप भी तो हारी है ना, वो बात है, लेकिन पाकिस्तान ओडीआई नंबर वन भी रह चुका है, तो आप ये भी देखें, और यही प्लेयर्स है जिस तरह हम पहले भी बात करते कि इन्हीं प्लेयर्स की वजह से हम नंबर वन हुए हैं। जहां तक आपने शादाब और नवाज की बात की, मुझे लगता है इनका बॉलिंग के साथ साथ इनका बैटिंग में परफॉर्म करना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को बैटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना बिग इवेंट है और जितनी स्ट्रांग टीम्स हैं, हमारे ओपनर जितने स्ट्रांग हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे 10-11 तक हमें बैटिंग, जैसे नसीम शाह आके एंड पे जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान को छक्के मार के कहाँ से मैच ले गए, जीत गए हम लोग, तो मुझे लगता है 11 नंबर तक जो है ना वो हमें बैटिंग चाहिए होगी। तो यहाँ पे फिर हमारे पास उसामा मीर का भी ऑप्शन आएगा, तो उसामा मीर भी हमें काफी हेल्प कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है, वेल बैलेंस्ड है, स्ट्रांग है, हमारा कप्तान बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो परफॉर्म करता है, मेन चीज ये है। जब कप्तान परफॉर्म ना कर रहा हो और वो सिर्फ अंदर अपने डिसीजंस कर रहे तो वो चीजें मैच नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि चूंकि ये हम ट्रांसमिशन करते हैं तो जहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं वहाँ बोर्ड की भी बहुत सारी कोताहियाँ निशानदेही उसकी करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम अब्दुल कादर एरम या हाफिज साहब से, सो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मीरा हम तक वो पहुँचाएंगी, राइट मीरा? बिल्कुल, करते करते। अच्छा, आपके पास क्या है अभी रिसेंट अपडेट, कोई ऐसी चीज यू वांट टू शेयर? आपका ख्याल है जैसे जंजानी साहब के पास सितारे, इनके पास भी कुछ है? तो होता ही बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले, मेरे पास ये है वो होता ना, वो एक टाइम पे ये वो रखा होता उन्होंने फालनामा सा कुछ। अच्छा नहीं, मेरे पास एक्चुअली ये है कि बाबर आजम हमारे कप्तान है और उनके लिए बड़ी मोहब्बत है, ऐसा में वो बस डिस्कशन में रहते ही हैं, तो उनकी अंग्रेजी का बड़ा मजाक अक्सर उड़ाया जाता है कि अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है, ऐसे कहा जाता है। जबकि आज जो मैंने देखा, आंखों देखा हाल, कि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी और उसमें रोहित शर्मा साहब से बात हो रही थी कुछ, हाँ। और वो बात जो है वो मतलब बटलर को समझ नहीं आई है, जिसके ऊपर बाबर आजम उनके कान में उनको समझा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, ये है कि मतलब एक क्रिकेट जो है ना वो आपका एक वो बैटिंग के लिहाज से तो अच्छे हैं ही, लेकिन एक बंदा उनको समझा रहा है। अब इसमें हाफिज साहब क्या मतलब, उनको हिंदी आती थी या बाबर आजम को अंग्रेजी अच्छी आती? बात ये है कि जो लोग इस हवाले से मनफी गुफ्तगू करते हैं कि वो ज़्यादा जुबान वो बोल नहीं पाते जो उनकी अपनी नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप बाबर आजम को लोग निशाना बनाएं या कोई भी शख्स बात करे। बाबर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं और दुनिया सारी उनको देख रही है। इंजमाम को देख लें, कितने ठीक है, इंजमाम कितने शानदार क्रिकेटर हैं, दुनिया भर के रिकॉर्ड्स वो नाम कर रहे हैं। फैब 4 आया था, बाबर आजम ने उन फैब 4 को फैब 5 में बदला है। बाबर आजम अभी पहले नंबर पर मौजूद है और हर जगह पर। एक सेकंड, कादिर साहब को अंग्रेजी कितनी अच्छी आती है, मगर वीजा इंजमाम साहब को मिला, हाँ। तो अंग्रेजी कोई भी कहीं पे मतलब और दुनिया के बड़े स्टार्स हैं, आप देख लें कि अगर अगर जो टेनिस खेलते हैं वो अपनी जुबान में बात करते, पूरी दुनिया में टर्किश आप चले जाएं, आप रशियन में चले जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, ये जो बात है ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई इस तरीके से बाबर की बात करता है तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी दुनिया के इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका शुमार। अच्छा, और एक अच्छी चीज यहाँ से देखे ना, ये पता चलती है कि हमारा जो टैलेंट है वो बिल्कुल नीच ग्रास रूट से ऊपर आता है। अब उसमें से कोई गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए होते हैं, कुछ की इतनी एजुकेशन अच्छी नहीं होती, कुछ एलीट स्कूल की मार नहीं होते, तो आप अंदाजा करें ना उनकी हार्ड वर्क। मैं उस दिन शादाब की वीडियो देख रही थी, मुवाजना करें ना क्रिकेट के साथ करें। जॉस बटलर अगर इंग्लैंड के कप्तान है तो बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है, तो क्रिकेट के लिहाज से तो दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, दोनों अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका
अभी मसला ये नहीं है, अब उनकी मदर लैंग्वेज ही इंग्लिश है। जॉस बटलर नहीं, अगर जॉस बटलर को कोई कहे भाईजान आप उर्दू में बाबर आजम से बात करें तो वो नहीं कर सकता, क्या होगा उनका जी पंजाबी जी गल करो नहीं कर सकता। फिर क्या वहाँ पे गोरे उनका इंग्लैंड वाले जो शहरी उनके मजाक उड़ाएंगे अपने जॉस बटलर का, देखो जी बाबर से इसको बात ही नहीं करना आती। और बाबर अगर कहे जी नहीं जी जॉस बटलर साहब मेरे साथ आप अंग्रेजी में बात ना करें, आप उर्दू या पंजाबी बोल रहे। एक एडिशनल फीचर है अगर कोई भी कर सकता है जबान बेहतर कर ले। हमारी बड़ी फिल्म एक्ट्रेसेस ने इस पे बड़ा काम किया है भाई, रीमा ने अपनी डिक्शन बड़ी बेहतर की उर्दू और इंग्लिश दोनों की। नहीं आपने जिनका नाम लेना था उनका। अच्छा रोहित से जो सवाल हुआ था वो इंडियन जर्नलिस्ट ने किया था। देखिए शबाज शरीफ सर कितनी जुबानें बोलते हैं, बहुत ज्यादा जुबानें बोलते हैं, मैं उनका भी जिक्र करने वाली हूं। वो जिस मुल्क में उतरते हैं सबसे पहले तीन चार लफ्ज उसके बोलते हैं, अगले बंदे कहते हैं अपने। अच्छा नहीं मैंने उनका देखा, उन्होंने बहुत सारी जुबानें उन्होंने उनको अबूर उन्होंने सीखी भी हैं। और ये एक एडिशनल फैक्टर है कि अगर आपको आनी चाहिए। और बाबर पहले से बहुत बेहतर है और वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो बेहतर होते चले जाएंगे, लेकिन इस एक चीज को ना तो उनकी खामी बनाना चाहिए ना खामी समझना चाहिए। और जो लोग इस हवाले से बात करते हैं ना, अगर कोई भी करता है चलें उसको आज यहीं से हम ये बताते हैं कि चलें अगर बाबर को बोलना नहीं आता ना तो उसको क्रिकेट आती है, आप बाबर वाला काम करके दिखा दें, आप अच्छी जाके इंग्लिश बोले वहां पे आपको मैं देखता हूँ कौन सी टीम सिलेक्ट करती है। इसी से रिलेटेड एक कमेंट भी आया भाई याहिया का कि मेरा सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तनकीद करते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया बताएं जनाब। वो देखते हैं बस और तनकीद ही करते हैं मेरे ख्याल में। देखें बात यह है कि आप किसी आम बंदे को माइक पकड़ा के और इतने मीडिया के सामने बिठा दें वो एक वर्ड भी नहीं बोल सकेगा। तो मेरे ख्याल में जो बाबर आजम बिल्कुल सही बात करें, इमरान भी बिल्कुल सही बात करें कि लोग वही बात हमने बात की थी, लोग किसी हाल में खुश नहीं है। बताएं आपने इमरान के साथ सेटिंग की हुई है, इमरान सही बात करें, कल आप कादिर साहब को यहाँ बिठाने, इमरान को यहाँ बिठाने, फिर कादिर भाई सही बात करेंगे। देखे जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, असर रखती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात, ये दिल से निकली है, बिल्कुल अच्छी बात है। कमेंट बताइए। और नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बड़ी तारीफ की जा रही है कि वो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं। पूरे मैंने बड़ा नोट किया, मोहम्मद आमिर डिस्कशन से आउट नहीं होते भाई कमेंट्स में, एवरीबॉडी वांट मोहम्मद आमिर इन द परफॉर्मेंस है उनकी डेडिकेशन। देखिए आपने पूरी दुनिया में आप कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जिसने 6-7 साल क्रिकेट से दूर रहा हो और फिर आते साथ वही आपका अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। बस वो आप ये देखे कि एक जो दाग है वो तो धुल नहीं सकता पूरी दुनिया जो है, लेकिन मोहम्मद आमिर एक ऐसा टैलेंटेड बॉलर है और प्लेयर है पाकिस्तान का, मतलब उसने बड़ी फतूहात में अहम किरदार अदा किया। चलिए जी, वी आर होपफुल वी विल सी हिम इन एक्शन समवेयर इन द बिग गेम इंशाल्लाह। और अब हम आपसे कल मिलेंगे क्योंकि कल वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज होने जा रहा है, कल के मैचेस पर बात करेंगे, कल की टीमों की थोड़ी खिंचाई करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान फाइनल तक जाए। और जितने भी लोग एजम्पशंस दे रहे हैं, अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को वीक समझ रहे हैं, यकीन जानिए जिस तरह हमारा पैनल भी इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान टीम हैज़ द पावर एंड पोटेंशियल एंड इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एक चुटकी में परफॉर्मेंस दे भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हमारे पैनल को इजाज़त दीजिए, एंड वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।